ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਸਦਰ ਐਮਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਆ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੀਗੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 1895 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਆ ਇਹ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿੰਦੇ ਵਗੈਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। सदर टाउन में वाकया बरतानवी राज के ज़माने की तामीर शुदा एम्प्रेस मार्केट कराची की कदीम तरीन मंडियों में शुमार होती है। यहाँ दस्तयाब अशिया में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अजनास, मसाला जात, सब्जियाँ, गोश्त, इसके अलावा कपड़ा मार्केट, परिंदों और जानवरों की मार्केट और फलों की मार्केट काबिले जिक्र है। यहाँ की फलों की मार्केट में तमाम फल दस्तयाब होते हैं, चाहे उनका मौसम हो या ना हो। इस खूबसूरत नजर आने वाली इमारत की एक तारीख कहानी भी तारीख में रकम है। 1857 में राम दीन पांडे की क्यादत में उठने वाली बगावत को कुचलने के बाद इसी जगह पर जंगे आजादी के कई बागियों के सर तोपों के गोले मार कर उड़ा दिए गए थे। प्रेस मार्केट से भी जो निकले थे और एमएजीनर रोड से पहुंचे हैं, गामा क्लास मार्केट है जेडी असी वो क्रॉस कर रहे हैं। असी अगे नेटी जेटी बोलते नेटी जेटी ब्रिज जेड़ा वा किया जाता उसे जा रहे हैं। और तकरीबन मेरे आले दुआले जेड़ी है मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड से जिहड़ियां बिल्डिंगां वा बहुत पुरानियां वा, कहिंदे आ कि ये पारसी जिहड़ा वा और यहूदी जिहड़ा ये उन्हां दे दौर दीआं बिल्डिंगां वा वह रहिंदे सीगे, हजे भी रहिंदे आ, लेकिन ज़्यादातर जिहड़ियां वा बहुत पुरानियां बिल्डिंगां उन्हां दे दौर दीआं ये मौजूद आ। असीं एमएजीनर रोड ते जा रहे हैं, आइए एमएजीनर रोड ते देखो आले दुआले जिहड़ियां भी बिल्डिंगां आ रही पुरानियां बिल्डिंगां आ रही वा। चलो अगे अगे कि चीज़ आनी यार भाई, मेमन मस्जिद और सारम बरनी का जोड़ा ऑफिस भी लंघे अगे मेमन बरनी थोड़ी मेमन मस्जिद अगे जी मेमन मस्जिद आ रही है। और अभी जोड़ा जा रहे हैं नेटी जेटी रोड उत ब्रिज सॉरी ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਵ ਭਾਈ ਦੀ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਰਵ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਆ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ? ਇਹ ਮੈਂਗਰੋਵ, ਮੈਂਗਰੋਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੈਂਗਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂਗਰੋਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੋਂ ਪਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਯਾਤ ਔਰ ਆਪਾਤ ਸੇ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਆਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਗਰੋਵਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ वो आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर मन्नतें भी मानते हैं, अपनी मन्नतें भी मानते हैं या सवाब की नीयत से भी आके ना लोग आटा फेंक रहे होते हैं, गोश्त फेंकते हैं आके और मुख्तलिफ जैसे बाल बच्चे को उतार के वो समंदर में भाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। मुख्तलिफ जो कहते सिक्के वगैरह भी सीटते हैं और आटा वगैरह गोश्त वगैरह दरिया जोड़ा वा वो सीटते हैं पक्षियों वास्ते और परिंदिया वास्ते। अरे भाई इसका की नाम है वैसे? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਨੈਟੀ ਜੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਟੀ ਜੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਆਤੇ ਥੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
यानी कि तब से आप आ रहे हैं, तब से जो है ये आटा डाल रहे हैं या ये पुल नहीं बना था, नीचे पुल का। अच्छा ठीक है, ये जी अभी देखें आटा वगैरह अभी डाल रहे हैं मछलियों वगैरह को, और बहुत ज़बरदस्त और हवा वगैरह चल रही है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। आज भी यहाँ से हर रोज अनगिनत लोग गुजरते हैं, कोई बेटे की चाह में, कोई बेटी की चाहत में, तो कोई तावीज गंडे काले जादू और किसी की मोहब्बत को पाने के लिए पुल पर रुककर आटे की टिकियां, मछलियों और गोश्त के टुकड़े खरीदकर चीलों के लिए हवा में उछालते हैं। कराची का तारीखी नेटी जेटी पुल किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं। इस पुल से रोजाना हजारों लाखों लोग गुजरते हैं, जिनमें बेशतर लोग ऐसे होते हैं जो मन तो मुरादों की तकमील के लिए यहाँ आते हैं। इन्हें चीलों को गोश्त खिलाना हो या मछलियों को आटा या फिर कौओं और कबूतरों को दाना डालना हो, तमाम कामों के लिए नेटी जेटी पुल ही कारामद समझा जाता है। लेकिन इन सब कामों की तकमील के बाद इस पुल के नीचे से गुजरने वाले समुन्द्र को अगर कुछ मिलता है तो वो है आलूदगी। नेटी जेटी का पुल बरतानवी राज में गालबन 1854 के आसपास जनरल सर चार्ल्स ने तामीर करवाया था, जिसका बुनियादी मकसद शहर को बंदरगाह से जोड़ना था। यही पुल शहर को किमाड़ी से मिलाने का सबब भी है। 1996 में इसी पुल के करीब बनने वाले एक और जदीद तरीन जिना ब्रिज के बाद इस पुल से इंतजामिया और हुकामे बाला की नज़र यकसर हट गई है। यही वजह है कि पुल के हर लम्हा वहां से गुजरने वाले कंटेनर और हैवी ट्रैफिक से मसलसल हवा में हिचकोले लेता रहता है। लेकिन मंतों की चाह में यहां आने वाले शायद इन हिचकोलों से भी नहीं डरते। गोश्त के लोथरे समुन्द्र से गिरने से पहले ही चीले झपट लेती है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में ये गोश्त समुंदर बुर्द हो जाता है, जो बिलाकर समुद्री आलूदगी का सबब और आबी हयात के लिए संगीन खतरा बनता है। शहर के एक बुजुर्ग रहायशी अब्दुल जबार ने बताया कि लोगों की जानिब से चीलों को गोश्त खिलाने और मछलियों को आटा खिलाने की रस्म बहुत पुरानी है। कुछ लोग इसे सदका करार देते हैं और कहते हैं कि इससे हर तरह के बीमारों को शफा मिलती है और जो भी मन्नत मानो पूरी होती है। ये एक रस्म सीना बा सीना चली आ रही है। अब इन रस्मों रवायत और रवाज की हकीकत क्या है ये मुझे नहीं मालूम। पुल से जुड़ी रवायत और रस्मों की हकीकत कुछ भी हो, सच ये है कि नुकसान समुंदर का हो रहा है, शिकार आबी मखलूक हो रही है।